इवन आपको पता होगा कि मोटो के जो मोबाइल होते हैं उनकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी शानदार आती है। तो ये मेरा मोटो का G5S प्लस है जो कि आपको ये दिख रहा है, और एक मोटो का मैं सामने वीडियो बनाने में यूज कर रहा हूँ वो है मोटो पावर वन। तो दोनों मोटोरोला के मोबाइल यूज किए हैं, लेकिन एक जो मेरे को इशू सबसे ज़्यादा मोटोरोला में आया है उसकी बात करेंगे, और कैसे आप मोटोरोला का अगर मोबाइल खरीदते हैं तो कितना इशू आपके लिए आता है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों होता क्या है कि हम मोटोरोला के मोबाइल खरीद लेते हैं, लेकिन 6 से 7 महीने बाद मोटोरोला की जो डाटा केबल होती हैं या चार्जिंग केबल होती है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब मोटोरोला के फ़ोन का चार्जर ख़राब हो जाता है या चार्जिंग केबल ख़राब हो जाती है तो कोई दूसरे फ़ोन की चार्जिंग केबल सपोर्ट नहीं करता, तो हमको सबसे ज़्यादा इशू होता है। तो मैंने क्या किया कि ये एक मोटो G5S प्लस जो मोटोरोला का मोबाइल है, ये मेरा पहला मोबाइल था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो क्यों ना मैं इस मोबाइल को, ये बंद पड़ा था बहुत दिन से, किस लिए बंद पड़ा था, क्योंकि इसका चार्जर ख़राब हो गया था और इसका चार्जर 1700-1800 रुपये का आ रहा था, तो इसलिए मैंने चार्जर ख़रीदा नहीं था। और जो घर पे चार्जर पड़े थे उनकी पिन को ये शॉर्ट कर देता था फ़ोन, मतलब इसी टाइप के सी टाइप केबल जो होती है उसके थे, या दूसरी टाइप की केबल होती हैं उनके भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी सपोर्ट करती है ये पिन, तो उस टाइम पे वो भी शॉर्ट कर दिए चार्जर, जो चार्जर थे उनकी पिन ख़राब कर दी इस मोबाइल फ़ोन ने। तो मोटोरोला की ये सबसे बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी मैंने मोटोरोला की चार्जिंग पिन ऑर्डर की, चार्जिंग डाटा केबल ऑर्डर की, और उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम अनबॉक्सिंग देखते हैं कि कैसी आई है वो केबल। तो चलिए, तो दोस्तों हमने ये अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर की है, तो कुछ इस टाइप की आई है, आप देख सकते हैं ये 399 रुपये की हमें पड़ी है। तो अभी ये कुछ इस टाइप के छोटे से पैकेट में आई है, काफ़ी महंगी पड़ी है। अब मैंने ये फाड़ ली, इसके अंदर से हम ये निकालते हैं मोटोरोला की डाटा केबल, काफ़ी सेफ्टी के साथ आई है, काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने ये रख के भेजी है, तो इस चीज़ की मेरे को हमेशा खुशी रहती है कि ब्रांडेड कंपनी लेकिन यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। लेकिन मैंने तो मोटोरोला के बारे में सुना था कि मोटोरोला इंडिया की कंपनी है, पता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, और मैं इसे ओपन करता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया, उसके बाद चाइना की आई हुई है, मेड इन चाइना क्लियरली इस पे मेंशन, और मोटोरोला की इंडिया की कंपनी बताई जाती है, लेकिन पता नहीं ये कैसे। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की ये डाटा केबल मिलती है, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। तो इसे जो मैं यूज करने वाला हूँ, मोटो G5S प्लस मैं यूज करने वाला हूँ, तो ये सी टाइप केबल है, इसको हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि मोबाइल इससे चार्ज होता है या नहीं, क्योंकि मेरे को ये लगा था ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ये चाइना का प्रोडक्ट है, जो कि शायद इसके जो एसेसरीज आती होंगी वो चाइना से आती होंगी, मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना मुझे। तो अभी ये कुछ इस टाइप की हमें डाटा केबल मिलती है, तो इस टाइप की आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम अपने मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं और भाई देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। ये मेरा पहले से चार्जर पड़ा हुआ है मोटोरोला का, सिर्फ डाटा केबल ख़राब हो गई थी, तो इसको हम लगाते हैं इसके अंदर और देखते हैं हमारा ये मोटोरोला का मोबाइल चार्ज होता है या नहीं। अब सीधा बोर्ड में लगाते हैं इस चार्जर को, तो यहाँ पे आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें मैं इस चार्जर को लगा देता हूँ और ऑन करता हूँ लाइट को भी, जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं इससे ये आसानी से चार्ज हो रहा है और काफ़ी अच्छे से ये चार्ज हो रहा है। तो ये था हमारा इसका रिव्यू, अब चलते हैं सीधा फेस वीडियो पर और आपको दिखाते हैं आगे की कुछ और बातें। तो दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अगर आप खरीदना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। आप एक बात याद रखिए कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर बहुत सारी मोटोरोला की फेक डाटा केबल और चार्जर जाने क्या क्या मिल रहे हैं, तो आप हमेशा मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदें, इधर उधर से ना खरीदें। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा मोटोरोला का है दूसरे चार्जर से, तो हमेशा समझ जाइए वो बस मोटोरोला से ही चार्ज होगा, तो फालतू में पैसे बर्बाद ना करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।